My name is Vivek Kumar and I'm a master trainer in the World Class Skill Center, Dwarka. Today, we are going to discuss about a small topic which is called washing machine wash cycle, and this class will be in both the language, in English and Hindi. तो पहले हम ये समझेंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लॉन्ड्री क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, लाइक टाइप्स ऑफ लॉन्ड्री कौन सी होती है, उनमें मशीनरीज कौन सी यूज़ होती है. आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वॉशिंग मशीन में वॉश साइकिल क्या होती है, यानी कि किस तरीके से वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं. सो फर्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेजेस हैं. जो फर्स्ट स्टेज है वो है फ्लश, दूसरा स्टेज है वो है ब्रेक, थर्ड स्टेज है सर्ट्स, फोर्थ स्टेज इंटरमीडिएट रिंस, फिफ्थ स्टेज ब्लीच, सिक्स्थ स्टेज रिंस, सेवेंथ स्टेज इंटरमीडिएट एक्सट्रैक्शन, एट्थ स्टेज सॉफ्टनर एंड सीजिंग, एंड नाइन्थ स्टेज इज फाइनल एक्सट्रैक्शन. अब एक एक करके हम इसको समझेंगे कि ये होता क्या है. तो जो पहला है वो है फ्लश. बेसिकली इट्स अ प्रोसेस जिसमें वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली हाई लेवल ऑफ वाटर को सक करता है, और इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें सॉयल लिनन को ऐड करना होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम गंदे कपड़े में पानी ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं. इस लेवल में क्या होता है, बेसिकली जब ये वॉशिंग मशीन में जो पहला स्टेप होता है, इससे काफ़ी सारा सॉयल, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे सॉयल लोड, काफ़ी सारा सॉयल जो कपड़े में होता है या लिनन में होता है वो निकल जाता है. टाइम टेकन, कितना टाइम लगता है, इस बेसिकली 1.5 to 3 मिनट्स इस प्रोसेस में टोटल टाइम कंज्यूम होता है. सेकेंड स्टेज है वो है ब्रेक. ब्रेक का मतलब होता है बेसिकली इसमें हाई अल्कलिन प्रोडक्ट या आपका कोई भी डिटर्जेंट होता है वो इस प्रोसेस में ऐड होता है. टोटल टाइम कितना लगता है, 4 to 10 मिनट्स. और इसका बेसिक पर्पस क्या है, ताकि वो जो लिनन है, लिनन में बेसिकली जो भी सॉइल है यानी कि गंदगी है उसको वो लूज करता है, सो दैट जो थर्ड प्रोसेस है जिसे कहते हैं सर्ट्स, इस प्रोसेस में एक्चुअल वॉश साइकिल होता है. इस एक्चुअल वॉश साइकिल से बेसिकली जो सेकंड पॉइंट था ब्रेक, उसकी वजह से जो लूज पार्टिकल्स हुए डिटर्जेंट की वजह से, वो इस प्रोसेस में जितनी भी गंदगी है वो कपड़े से बाहर निकाल देता है. और इस टोटल टाइम टेकन इज बेसिकली 5 to 8 मिनट्स. इसके बाद आता है आपका इंटरमीडिएट रिंस. इंटरमीडिएट रिंस इज बेसिकली रिमूव सॉइल्स एंड अल्कलिन डिटर्जेंट टू हेल्प द ब्लीच वर्क मोर अफेक्टिवली लेटर. तो इस रिंस स्टेप का मतलब होता है कि जितनी भी अल्कलिन डिटर्जेंट है और जो गंदगी है जो वॉशिंग मशीन में जो धुलने के बाद जो बच जाती है, इस स्टेप में उसमें निकल जाता है, ताकि नेक्स्ट स्टेप जो ब्लीच का स्टेप होगा वो इसमें इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके. इसका टोटल टाइम टेकन होता है 2 to 5 मिनट्स. नेक्स्ट इज ब्लीच, जो हमने अभी डिस्कस किया था. ब्लीच होता क्या है, बेसिकली वॉशिंग मशीन में ऑटोमेटिकली ये वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली इसको अब्जॉर्ब करता है ब्लीच को, और ब्लीच बेसिकली किल्स द बैक्टीरियाज एंड वाइटन्स द फैब्रिक्स एंड रिमूव स्टेन्स, एंड द टोटल टाइम टेकन इज बेसिकली 5 to 8 मिनट्स. इस ब्लीच प्रोसेस के बाद क्या होता है, जब ब्लीच हो जाता है इस स्टेज के बाद क्या होता है, बेसिकली होता है रिंस. ये रिंस जो होता है बेसिकली हाई लेवल ऑफ वाटर ऑटोमेटिकली वॉशिंग मशीन एब्जॉर्ब करता है, और जो जो रिमेनिंग आपके डिटर्जेंट्स होते हैं या गंदगी होती है उसको बाहर निकाल देता है लिनन से, पूरे वॉशिंग मशीन से. अब इसमें टाइम टेकन होता है टोटल 1.5 to 3 मिनट्स. इसके बाद आता है इंटरमीडिएट एक्सट्रैक्शन. रिंस के बाद एक्सट्रैक्शन आता है. एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है पानी निकालना. तो दिस इज अ हाई स्पीड रिमूव्स लेफ्ट ओवर डिटर्जेंट एंड सॉइल फ्रॉम द लिनन, एंड यूजुअली आफ्टर द फर्स्ट रिंस स्टेप जो हमने अभी पढ़ा था, एंड इट रिमूव 70% ऑफ द वाटर फ्रॉम द लिनन, एंड द वॉशिंग मशीन स्पिन्स एट 200 रोटेशन पर मिनट, यानी कि बहुत तेजी से घूमता है, यानी कि 200 रोटेशन 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करता है, और इसमें टोटल टाइम टेकन होता है 1.5 to 2 मिनट्स. द नेक्स्ट स्टेप इज सॉफ्टनर और सीजिंग. सॉफ्टनर एंड सोर्स आर एडेड टू कंडीशन द फैब्रिक्स. द फैब्रिक जो हमारे टी शर्ट्स या ट्राउजर्स हो गए उसमें हम सॉफ्टनर डालते हैं ताकि वो फैब्रिक को कंडीशन दे सके. द स्टार्चेस आर एडेड टू स्टिफन कॉटन
फैब्रिक्स, यानी कि हम इस स्टेप में कॉटन फैब्रिक्स में स्टार्च डालते हैं ताकि उसको हम स्टिफन कर सकें, जैसे कि हमारे बेडशीट्स हो गए, टॉवल्स हो गए, बाथ टॉवल, हैंड टॉवल या फेस टॉवल। सीजिंग में ऑल्सो रिप्लेस द सोर और सॉफ्टनर स्टेप, यानी कि अगर हम सीजिंग को ऐड कर रहे हैं स्टेप में तो आप सॉफ्टनर और सोर के स्टेप को रिमूव कर सकते हैं। टोटल टाइम टेकन हेयर इज 3 to 5 मिनट्स। जो फाइनल स्टेप है वो हमारा है फाइनल एक्सट्रैक्शन, जिसे हमारे इस प्रोसेस में बेसिकली जो वॉशिंग मशीन होता है उसमें जो ड्रम है वो बहुत ही स्पीड से घूमता है, और इस स्पीड जो होती है बेसिकली अराउंड डिपेंड करती है कि इसमें कौन सा फैब्रिक यूज हुआ है, कौन कितना उसका एक्सट्रैक्शन का कैपेसिटी कितना है और एक्सट्रैक्शन स्पीड कितना है। अराउंड 95% इज वाटर इज रिमूव्ड इन दिस स्टेज एंड द टोटल टाइम टेकन इज अराउंड 2 to 12 मिनट्स। सो बेसिकली दिस इज द एंटायर वॉश साइकिल ऑफ ए वॉशिंग मशीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक पे समझना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।